जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलें। और मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, अपनी राय भी कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद जय भारत। आपका नाम मैम? निराशदा परवेज। कशमाला परवेज। फैमिली है जी? ये आपकी वाइफ जी? ये डॉटर जी? माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी फैमिली को इसी तरह सदा खुश रखे। तो सर, मेरा आपसे बेसिक क्वेश्चन ये है कि आपको दो कंट्रीज का वीज़ा मिले, फ्री विजिट करने का मौका मिले जी, एक इंडिया दूसरा तंजानिया। मैं बताना चाहूँगा, आपको वजाहत करना चाहूँगा ये दोनों कंट्रीज है कौन सी। इंडिया तो हमारी नेबर कंट्री है, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। तंजानिया है अफ्रीका का एक जजीरा है, ओके, जिसमें टोटली चारों तरफ समंदर है, ओके, वहाँ पर सारे हबशी रहते हैं, ओके, काले लोग हैं और कमाल किस्म का व्यू है उधर का। अच्छा, तो अगर आपको मौका मिले तो आप कहाँ जाएंगे? इंडिया भी नहीं जाना चाहते? नहीं, इंडिया जाना चाहूँगा। जाना चाहेंगे जी? हमारे रूट से इसलिए? नहीं, बिल्कुल तासब पसंदी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ग्रो करना है तो फिर नेबर की तरह अच्छे साथ रहना चाहिए। इस तरह की चीज़ों को पब्लिकली हमें नहीं करना चाहिए, ऊपर वाले लोग सियासतदान करते रहें, ये हमारा काम नहीं है। ये आपने बहुत बड़ी बात की है, मुझे लग रहा है कि आप कोई बड़े बिजनेसमैन हैं। नहीं, एक छोटी सी जॉब है जो कर रहे हैं, बट वैसे माइंड आपका बिजनेस वाला है। हाँ, ये तो है, काफ़ी शार्प है। क्या करते हैं, क्या डेजिनेशन है जॉब पे? एक सॉक्स कंपनी है, उसमें एज ए कंट्री सॉरी मार्केटिंग हेड के तौर पे काम कर रहा हूँ। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, अल्लाह ताला और कामयाब करे आपको। तो इंडिया क्यों जाना चाहेंगे आप? इंडिया ये कह लें कि अगर आप सैर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं जी, जी, जी। अगर कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो फिर और बात है। मेरे ख्याल में रूट्स हैं हमारी, हमें आबाओ अजदाद के अतबार से भी होता है कि जाएँ, ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त जी। आप कहाँ जाना चाहेंगी? इंडिया। इंडिया जाना चाहेंगी? उधर नहीं जाना? नहीं। आप? मैं इंडिया जाना चाहूँगी। इंडिया जाना चाहेंगी? क्यों, इंडिया क्यों जाना चाहती हूँ? अच्छा, आपने कलर की बात की कि वहाँ पे काले लोग रहते हैं, तो नॉट बिकॉज के आई एम लाइक वन ऑफ दोज पीपल जो रेसिस्ट हैं और उनके कलर कॉम्प्लेक्शन की वजह से वहाँ नहीं जाना चाहेंगे, बट बिकॉज मुझे इंडिया का कल्चर, वहाँ की स्ट्रीट फूड और उनकी टूरिस्ट प्लेसेस और वो चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, तो आई थिंक मैं इस वजह से। लेकिन मेरी सेंस दूसरे कंट्री के बारे में रिसर्च इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं पहले दोनों कंट्रीज़ के बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च करूँगी फिर ही जाऊँगी। ज़बरदस्त, तो आप इंडिया प्रेफर करते हैं। कोई फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस इंडिया में? नॉट रियली, बट शाहरुख खान इज़ नाइस। शाहरुख खान। आई वुड प्रेफर के मैं इंडिया सेलेक्ट करूँ। तंजानिया शायद। तंजानिया जाना चाहेंगे आप? हाँ जी, मुझे तो इंडिया का चांस मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो बड़े हुए इंडियन मूवीज़ देखी हैं और कुछ कल्चर भी हम लोगों का कुछ रिजेंबलिंग हैं, कुछ हम वहाँ पे बुज़ुर्गों के मज़ारात हैं, वहाँ पे दुआएं मांगना चाहेंगे कि हमारे और इंडिया के तलकात, कंट्रीज़ के तलकात अच्छे हो जाएं, जिससे आवाम को फ़ायदा होगा, हुक्मरानों को भी ऑब्वियसली होगा, हमारी मईशत की तरफ तवज्जो होगी ना फिर गवर्नमेंट्स की, तो हम लोगों दोनों कंट्रीज़ में खुशहाली आएगी, ये एक स्ट्रेस से निकलेगी आवाम। ये जाना चाहेंगे इंडिया क्यों जाना चाहती है? एक्चुअली मुझे इंडियन कल्चर बहुत पसंद है और मैं वहाँ पे उस कल्चर को देखना चाहती हूँ करीब से, कि वहाँ पे किस किस्म की ज्वेलरी, कपड़े और इंडियंस जो खाने हैं बहुत मज़े के होते हैं, तो कुछ क्योंकि वो सिमिलैरिटी है ना एशिया की, कि मतलब पाकिस्तान और इंडिया का कल्चर बहुत सिमिलर है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बस उस वजह से जाना चाहूँगी। इंडिया, इंडिया में, इंडिया में भी बहुत मज़े अच्छे, मतलब नॉर्दर्न एरियाज हैं जैसे शिमला है वहाँ पे भी, exactly, और मनाली है, हाँ, तो इंडिया को विजिट करूँगी। बिल्कुल इंडिया, बिकॉज एज कम्पेयर टू तंजानिया, तंजानिया में सारे, एक तो दे आर ब्लैक पीपल, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट वो एक बड़े डेंजरस सी कंट्री है, उसका कल्चर बहुत डिफरेंस है। अच्छा, हमारा इंडिया के साथ इसलिए थोड़ा सा माइंड सेटअप मिलता है क्योंकि उनका कल्चर थोड़ा बहुत मैटर, आई मीन सेम है, सिमिलर है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखेंगे हमारा पिछला अगर बैकग्राउंड आप देखेंगे तो हम एक ही थे ना एक्चुअली, हम बाद में हम हिंदुस्तान से अलग हुए, एंसेस्टर्स जो हैं वो सारे इंडियंस ही थे। अच्छा, हम भी वहाँ से ही आए हैं। इंडिया कौन सी जगह से? आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मेरे परदादा जो है वो प्योर इंडियन थे, परदादा एक्चुअली प्योर इंडियन थे। जबरदस्त यार, फिर तो आपके इंडिया से रूट काफी मिले। क्या आखिर मोदी जी जो है वो इस टाइम पे जर्मनी क्या कर रहे हैं? और जैसे कि आप जानते ही हैं कि यूक्रेन और रशिया की भी एक टेंशन चल रही है, तो ऐसे में उनका विजिट कितना इम्पोर्टेंट है
और किस लिए है? मोदी जी का पहला, इस साल का पहला इंटरनेशनल दौरा जर्मनी का है। पहला जो उन्होंने वर्चुअल सबमिट किया था उसमें भी वो जर्मनी के जो नए चांसलर है ओलाफ साहब, उसको उनको एड्रेस किया था। और ओलाफ साहब का भी पहला इंटरनेशनल समिट मोदी जी के साथ है, और जो पहला वर्चुअल समिट था वो भी मोदी जी के साथ था। अब ये एक रेलिवेंस है इस चीज की, ये क्यों हो रहा। जयशंकर जी भी गए, वो अपने काउंटर पार्ट से मिल रहे हैं। अब आरजू जी देखिए, रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है तो पीछे बड़ी हो रही थी, आप इसके साइड आप उसके साइड, तो ये काफी मतलब अनुमान था कि ये समिट हो सकता है डिले हो जाए या हो ही ना, या जर्मनी कैंसिल कर दे या डिले कर दे। पहले आपको याद होगा यूएस 2+2 हुआ था, उसमें भी अटकलें लगी थी, फिर ये दूसरा समिट आ गया, भाई ये डिले होगा। बिल्कुल अपने टाइम पे चल रहा, सब चल रहा। समिट में जाने से पहले जर्मनी ने कैटेगोरिकली बोला, वी कैन नॉट डिक्टेट इंडिया इट्स स्टेट और फॉरेन पॉलिसी, हम वी कैन नॉट गिव सरमंस टू इंडिया, ये उनका स्टैंड है। बाकी यूरोपियन यूनियन का इसमें एक स्टेटमेंट भी आया था बीच में, वी विल ट्राई टू प्रेशराइज इंडिया टू टेक अ साइड ऑन ये रशिया और यूक्रेन। पर अगर आपको याद हो पिछले हफ्ते उनकी यूयू की जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया आई थी, और यहाँ महात्मा गांधी जी की समाधि पे गई, फूल चढ़ाए, काफी घूमी, सब लोगों से मिली, और वो मोहतरमा कह रही थी भाई फटाफट ये ट्रेड डील फाइनल कर लो, यूरोप और इंडिया की ट्रेड डील फाइनल कर लो। अब जर्मनी का एजेंडा देखे आरजू जी, पहला एजेंडा है ट्रेड, उनके साथ भी एक ट्रेड डील की बात हो रही है, यूरोपियन यूनियन के साथ अलग हो रही है, जर्मनी के साथ भी हो रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसे हम कहते हैं। दूसरी बात है कि जर्मनी में मैन पावर की किल्लत है, वो अपनी इमिग्रेशन लॉज को फाइन ट्यून कर रहे हैं, फाइन ट्यून के स्केल डाउन कर रहे हैं, ताकि इंडिया से इमिग्रेशन स्किल्ड मैन पावर की वहां हो। ये पहली बार हुआ है इंडिया जर्मनी रिलेशंस को, अब की बार हम अपनी आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनवा रहे हैं और वहां इंडिया जर्मन रिलेशंस को 70 साल हो जाते हैं, तो ये रेलेवेंस भी है। तो एक उन्हें चाहिए जी, हमारे यहां से उन्हें चाहिए मैन पावर, उन्हें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए। जर्मन्स में एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट उनका होता है, इसके परिप्रेक्ष्य से बोलूं तो है काइसन क्रू। काइसन क्रू बनाता है सबसे बड़ी और घातक सबमरीन दुनिया में, उनका ऑफिस सेटअप वगैरह इंडिया में, पर यहाँ सबमरीन नहीं बनती, सबमरीन जर्मनी में बनती है, लिफ्ट वगैरह बनाते हैं, तो उनको सबमरीन बेचनी है, ठीक है जी। और उन्हें कल्चरल एक्सचेंज चाहिए, पीपल टू पीपल कनेक्ट चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए। और यही दो दिन पहले, जस्ट बिफोर द समिट स्टार्टेड या कल रात की बात है, जर्मन जो चांसलर साहब है ओलाफ साहब, अब की बार वो G7 के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो रेवोल्यूशन मतलब रिवॉल्विंग होते हैं, आज कोई है कल कोई है, अब की बार वो बहुत अटकलें ये लगाई जा रही थी कि G7 में मोदी जी को या इंडिया को नहीं बुलाया जाएगा, पर उन्होंने G7 में मोदी जी को फॉर्मली इन्वाइट किया, बोला भाई हम बुला रहे हैं, हमारी मर्जी है, बुलाएंगे और एज ए गेस्ट बुलाएंगे, जो जबकि मेरा ये मानना है कि G7 विदाउट इंडिया इज नथिंग।